हेलो फ्रेंड्स, माइंड पावर स्पोकन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं जीत, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिंस और फोर। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम सभी जानेंगे, क्योंकि अधिकतर हमें प्रॉब्लम आती है कि सिंस कहाँ लगाएं और फोर कहाँ लगाएं। सिंस और फोर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है, किंतु निश्चित समय कौन कौन से ऐसे टाइम हैं जो कि निश्चित हैं, कौन कौन से ऐसे टाइम हैं जो अनिश्चित हैं। तो फर्स्ट फुल आई एम टेलिंग अबाउट टू वर्ड्स ऑफ सिंस एंड फोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। वी आर एबल टू यूज ऑफ सिंस फोर, बट वी डोंट नो रूल्स, वी कांट मेक अ प्रॉपरली सेंटेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें ताकि आसानी से आपको सिंस और फोर प्रयोग आप सही से इसका प्रयोग कर सकें। तो बेसिकली मैं हर रूल को आपको बताऊंगा कि कहां सिंस लगता है, कहां फोर। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि सिंस और फोर कहां लगाते हैं। देखिए, पहली चीज, सिंस एंड फोर जो होता है वो होता है से के लिए। किसके लिए होता है? से। इन दोनों का हिंदी अर्थ हम देखते हैं टेंस में, तो से निकलता है। पहली चीज, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें सिंस और फोर लगाया जाता है? तो पहला सेंटेंस आपका जो रहता है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहता हूँ। पहला सेंटेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक ये सेंटेंस रहता है जिसमें सिंस और फोर लगता है। टेंस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सिंस और फोर लगाया जाता है। तो पहला आपका टेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें सिंस और फोर का प्रयोग आप करते हो। बेसिकली आपको कभी कभी ऐसा नहीं पता रहता है कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित है। इसी के लिए मैंने ये चार्ट बनाया ताकि आसानी से आप सीख सके कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहली चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका प्रयोग किया जाता है, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीनों सेंटेंस रहते हैं जिनमें सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली सिंस क्या होता है और फोर क्या होता है ये हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप देखेंगे कि जब वाक्य में निश्चित समय लगकर आता है, जब वाक्य में क्या आता है, निश्चित समय लगकर आता है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब निश्चित समय कौन कौन से हैं जिसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं? तो निश्चित समय को हम देखते हैं कौन कौन से। तो पहला आपका निश्चित समय है कि 2 बजे से, यदि हमारे सेंटेंस में आता है 2 बजे से, मतलब बजे वाले जितने भी सेंटेंस, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ऐसे सेंटेंस में यदि बजे वाले सेंटेंस आते हैं, तो उन सभी बजे वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, 3 बजे से तो सिंस 3 o'clock, 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock। अब मैं एक सेंटेंस आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, इसी सेंटेंस का, मैं 2 बजे से क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, ऐसे हम बनाएंगे। मैं 3 बजे से दौड़ रहा हूँ आई हैव बीन रनिंग सिंस 3 o'clock। मतलब आपको क्या करना है कि सिंस किस में लगेंगे, 2 बजे से, 3 बजे से, जितने भी बजे वाले सेंटेंस आते हैं उन सभी में सिंस का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल्स तो ये देखेंगे कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय 2 बजे से आता है तो वहाँ निश्चित समय होता है, ठीक है ना। दूसरा, यदि सेंटेंस में क्या आता है कि सोमवार से, तो ये मंगलवार से, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, तो आप जितने भी वार हैं, वारों के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार से, तो आप बोलेंगे सिंस मंडे। जैसे कि राम सोमवार से काम कर रहा है, तो आप लिखेंगे राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे, ठीक है ना। राम रविवार से काम कर रहा है, तो राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस संडे। तो वारों के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का यूजेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी वार हैं उनके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बजे के लिए भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा, यदि सेंटेंस में ऐसा आता है कि कल से, जैसे राम 2 बजे से काम कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राम कल से काम कर रहा था, तो आप लिखेंगे राम हैड बीन डूइंग वर्क सिंस यस्टरडे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? यस्टरडे। तो कल से
ठीक है ना, कल से, परसों से, तो आप इन सभी में सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कल से काम कर रहा था, तो आपको मैंने बना के बता ही दिया, राम हैड बीन डूइंग वर्क सिंस यस्टरडे। इस तरीके से आप यूसेज इसका करोगे, ठीक है ना। तीन रूल्स में आप प्रयोग करोगे, 2 बजे से, सोमवार से या कल से, इनमें आप सिंस का प्रयोग करोगे। चौथा, यदि आपका, ठीक है ना, 1998 से, क्या 1998 से, यदि सेंटेंस में क्या आता है 1998 से, 2005 से, 2006 से, जितनी भी तिथियां हैं या जितने भी ऐसे, ठीक है ना, संख्या में आपको बताया जाए कि 2005 से राम जा रहा है, तो आप उस सभी में सिंस लगाएंगे। जैसे राम 1998 से दौड़ रहा है, तो राम हैज़ बिन रनिंग सिंस 1998। ध्यान रखना, राम 1997 से दौड़ रहा है, तो आप लिखोगे राम हैज बीन रनिंग सिंस 1997। आप इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे ताकि आसानी से आपका सेंटेंस सही रहे और करेक्ट रहे। तो यदि सेंटेंस में कैसा आता है कि राम 1997 से दौड़ रहा है, तो आप बोलोगे राम हैज बीन रनिंग सिंस 1997। आप इस तरीके से बनाओगे। यदि सेंटेंस ऐसा रहे कि सुबह से, सेंटेंस क्या रहे, सुबह से, तो सुबह के लिए भी आप सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सिंस मॉर्निंग का। यदि मैं कहूं कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से लिख रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस कब लगाया जाता है, सुबह से आए भी तो आप सिंस का प्रयोग करते हो बेसिकली। तीसरा, सिक्स वाला हम देखते हैं, बचपन से। यदि सेंटेंस में बचपन से आए भी तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। कैसे, कि राम बचपन से हॉकी खेल रहा है, तो आप लिखेंगे राम हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे, राम हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके से आप बनाओगे। बचपन से के लिए भी आप सिंस का प्रयोग करते हो, सुबह से, मतलब टाइम यदि सुबह शाम, इनके लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का। यदि तिथि की बात आए या किसी, ठीक है ना, ऐसे 1998 से, 2005 से, 2010 से भी, इनमें भी आप किसका प्रयोग करते हो, सिंस का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। तीसरा, यदि कल से, परसों से, ऐसे भी वाक्य आए, तो आप इन सभी में सिंस का प्रयोग करते हो बेसिकली। सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जितने भी वार हैं उन सभी में आप सिंस का प्रयोग करते हो। दूसरा, 2 बजे से, बजे वाले जितने भी सेंटेंस, जैसे 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, सभी बजे वाले सेंटेंस में आप क्या लगाते हो, सिंस लगाते हो, ठीक है ना। अब हम समझते हैं फोर कहाँ लगता है। तो फोर जब सेंटेंस में कहाँ लगता है, फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वहां पर, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा क्लीन हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं फोर। जब वाक्य में क्या है, जब वाक्य में अनिश्चित समय लगकर आता है, जब वाक्य में अनिश्चित समय लगकर आता है, तो वहां फोर का प्रयोग किया जाता है। अब फोर किसके लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए। किसके आता है फ्रेंड्स, अनिश्चित समय के लिए आप फोर का प्रयोग करते हो और आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हो। फोर का प्रयोग अब अनिश्चित समय कौन कौन सा, यदि आ जाए कि 2 सेकंड से राम काम कर रहा है, राम 2 सेकंड से आ रहा है, तो 2 सेकंड, जो सेकंड है उसके लिए ये अनिश्चित है या निश्चित सेकंड, तो ध्यान रखना अनिश्चित है, 4 2 सेकंड, ठीक है ना। फोर लगता है जितने भी आपके सेकंड वाले सेंटेंस हैं उन सभी में क्या लगता है, फोर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, राम 2 सेकंड से काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे राम हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 सेकंड्स। राम 3 सेकंड से खाना खा रहा है, राम हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 3 सेकंड्स। तो आप सेकंड, जितने भी सेकंड वाले सेंटेंस हैं उन सभी में फोर का प्रयोग करोगे, क्योंकि सेकंड जो होता है वो अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता। दूसरा, राम काफी देर से चाय बना रहा है, तो आप लिखेंगे राम हैज बीन प्रिपेयरिंग टी, राम हैज बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोलोगे, राम हैज बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप क्या करोगे उसमें, जो काफी देर से, ये अनिश्चित समय है, और इसमें आप किसका प्रयोग करोगे, फोर का, और आसानी से आप सेंटेंस बना दोगे। हम कहें कि राम काफी देर से
दौड़ रहा है, तो आप लिखोगे राम हैज बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा भी आप कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग, ठीक है ना। दूसरा, यदि हमारे सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि तुम कुछ देर से लिख रहे हो, कुछ देर से लिख रहे हो, तो आप बोलेंगे यू हैव बीन राइटिंग, क्या लिखोगे, यू हैव बीन राइटिंग फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, आए भी तो वो अनिश्चित समय रहता है, उसमें भी क्या लगता है फॉर। सेंटेंस यदि सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि तुम कई दिनों से कोचिंग क्लासेस आ रहे हो, यू हैव बीन कमिंग टू कोचिंग क्लासेस, क्या कहोगे, यू हैव बीन कमिंग टू कोचिंग क्लासेस फॉर मेनी डेज, कई दिनों से तुम कोचिंग क्लासेस आ रहे हो, यू हैव बीन कमिंग टू कोचिंग क्लासेस फॉर मैनी डेज, इस तरीके से आप इन सभी में किसका प्रयोग करोगे, फॉर का। अब यदि बजे के लिए सिंस आता है तो जो घंटे यूसेस होते हैं, घंटे, ठीक है ना, दो घंटे से राम काम कर रहा है, तो जो घंटे में पूछे जाते हैं घंटे से, तो ध्यान रखना इन में भी आप फॉर का प्रयोग करोगे, घंटे से, जैसे मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू hours, ऐसा आप बनाओगे। ध्यान रखना मैं दो घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू hours, ठीक है ना, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर टू hours, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, ताकि आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकें, आसानी से सेंटेंस बना सकें। तो ध्यान रखना इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, और इन सभी में आप सिंस का प्रयोग करोगे, दो बजे से सिंस, टू ओ क्लॉक बजे वाले में सिंस का प्रयोग, सोमवार से वारों में आप सिंस का प्रयोग करोगे, कल से सिंस का प्रयोग करोगे, सिंस यस्टरडे, 1998 से सिंस 1998, सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, इन सभी में आप सिंस लगाओगे, ठीक है ना, और इन सभी में आप फॉर का प्रयोग करोगे, क्योंकि सिंस जहाँ यूसेस होता है, जो निश्चित होता है, ठीक है ना। अब निश्चित हमें ऐसे याद नहीं रहेंगे कि सोमवार जितने भी वार हैं आप उसमें सिंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि जितने भी वार होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर डेट दे रखी होगी, ठीक है ना, तो 2005 से 2006 से उनमें भी आप सिंस का प्रयोग करोगे, बचपन भी एक सिंस आपका निश्चित समय होता है, बचपन, जन्म में भी आप सिंस का प्रयोग करोगे, जन्म से, बचपन से, इनमें भी आप सिंस का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, कल से, परसों से, इनमें भी आप सिंस का प्रयोग करोगे, सोमवार से, मंगलवार से सिंस का प्रयोग, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, किंतु टीचर हमसे ये बोल देते हैं अनिश्चित समय के लिए फोर लगा देते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, किंतु आपको प्रॉपरली पता रहना चाहिए कि सिंस ऐसे कौन कौन से टाइम हैं जो निश्चित हैं, और ऐसे कौन कौन से टाइम हैं जो अनिश्चित हैं, यदि इनको आप समझ गए तो आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप करेक्ट बना सकते हो, यू कैन मेक करेक्ट सेंटेंस विदाउट रूल्स, यू नो ऑलरेडी यूज ऑफ सिंस फॉर, यू कैन मेक अ करेक्ट सेंटेंस, बट यू डोंट नो सिंस एंड फॉर, यू कांट मेक अ करेक्ट सेंटेंस। तो ध्यान रखना फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सेकेंड में, ठीक है ना, फॉर टू सेकेंड्स, काफ़ी देर से, तो फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कुछ देर से फॉर अ वाइल, और कई दिनों से फॉर मैनी डेज, ध्यान रखना कई सालों से भी, तो फॉर अ मैनी ईयर्स, कई दिनों से फॉर अ मैनी डेज, कई महीनों से फॉर अ मैनी मंथ्स, तो कई महीनों से या कई दिनों से या कई सालों से भी तो आप सिंस का प्रयोग करते हो। यदि सेंटेंस में ऐसा जाए कि दो घंटे से, तो ध्यान रखना इसमें भी आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का, किसका प्रयोग करोगे, फॉर का, फॉर अ, फॉर टू आवर्स, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूसेस करोगे, ताकि आसानी से आपका सेंटेंस सही बने और एकदम करेक्ट बने, इस तरीके से आप यूसेस करोगे इस रूल्स का, और बहुत सारे सेंटेंस को आप इनसे बनाकर देखोगे। अभी यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, जितने भी ऐसे, ठीक है ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी आप शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में, आपके जितने भी ऐसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या आपकी जितने भी आईडी हैं, उन सभी पर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स लिखें कि किस तरीके से आपको किस तरीके से समझाया जाए, क्योंकि आप जितनी भी मुझे कमेंट्स करते हो, मैं सभी की कमेंट्स पढ़ता हूँ। गुड बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, कुछ और डाउट्स लेकर के आपके सामने, और कुछ नए वीडियो लेकर के मैं आऊँगा फिर से। जब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, इसी तरीके से देखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग, गुड बाय, सी यू अगेन, आगे बढ़ते रहिए, गुड बाय।